अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ काले छोले बनाने की रेसिपी, या काले चने भी कहते हैं। ये मैंने 1 किलो काले चने लिए हैं, उसे मैंने रात भर भिगो के और थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून मीठा सोडा डाल के बॉयल कर लिया है। ये बिल्कुल गल गए हैं अच्छी तरह। अभी हम मसाले बताएँगे इसके, जो इसमें डालेंगे। ये टमाटर लिए हैं मैंने 1 कप, बारीक काट लिया इन्हें। प्याज मैंने ली है 1 बड़ी। ये मैंने कड़ी पत्ता लिया है, थोड़ा सा आप अपने अंदाजे से ले सकते हैं। ये मेरा होममेड चाट मसाला है। ये ज़ीरा है। ये हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई। ये इमली का पल्प है, इसे मैंने भिगो के गर्म पानी में और बीज निकाल दिए हैं। ये नमक है और ये बाज़ार का चाट मसाला है, कोई सा भी आप ले लें, कुटी हुई लाल मिर्च। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। एक पैन में सबसे पहले हम लेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें, तकरीबन 1/2 कप ऑयल डाल देंगे इसमें। ऑयल गरम हो जाए तो ये जो मैं प्याज काट के रखी हुई थी वो 1 डाल दूंगी इसमें। प्याज को हमें थोड़ा सा नरम करना है, बस बिल्कुल रेड नहीं करना। ज़ीरा, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है। ये ज़ीरा थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसमें डाल के प्याज के साथ। अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, ये मैंने धो के रखा हुआ था, ये इसमें डाल देंगे हम। फिर इसे थोड़ा अच्छी तरह फ्राई करेंगे। कड़ी पत्ते की जो खुशबू आती है ना, इन छोलों में बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। थोड़ी देर इसे छोड़ देंगे हम ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आए इसमें। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। 1 कप मैंने टमाटर भर के काट के रखे हुए थे, ये डाल देंगे हम इसमें। अब टमाटर को अच्छी तरह से गला लेंगे, बिल्कुल नरम हो जाए टमाटर। फिर उसके बाद हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। इसे हमें डाल के छोड़ देना है थोड़ी सी हल्की आंच करके, ताकि अच्छी तरह घुल जाएं। अब ये हमारे टमाटर गल चुके हैं बिल्कुल। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक, 1 टेबल स्पून नमक भर के। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे हम इसमें, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून है। ये चाट मसाला है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये दूसरा चाट मसाला है, ये मैं नेशनल का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी डाल सकते हैं। ये भी 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है। अब इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी देर इसकी थोड़ी भुनाई करेंगे, फिर इसमें हम डाल देंगे इमली का पल्प। और साथ ही हरी मिर्चें भी डाल देंगे। थोड़ा सा इसे
मज़ीद भूनेंगे, थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे काले चने जो कि हम उबले हुए रखे थे हमने, ये पूरे इसमें डाल के और इसे अच्छी तरह दोबारा भून लेंगे और इसका पानी बिल्कुल खुश कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। इमली का पानी भी आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। चाहें तो आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं, लेमन जूस भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। बिल्कुल इसका पानी हमें खुश करना है जो हमने डाला था इमली का पानी, और कुछ छोलों में भी पानी होता है, उसे बिल्कुल खुश करना है। ये हमने इसे डिश आउट कर दिया है। थोड़ी सी हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए ऊपर से डाली हैं। थोड़ी सी हम इसमें पापड़ी डालेंगे, ये पापड़ी भी मेरी होममेड है। इसकी रेसिपी मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये आप इस पर डाल के और सर्व करें, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।